अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम है मोहम्मद समी खान, आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाजमी कमेंट में लाजमी बताइएगा। और आज हमने एक पिकनिक अरेंज करी है, और पिकनिक हमने अरेंज करी है कली झील केंद्र झील जिसे बोलते हैं, जो हमारा है 1 मई। तो आपको पता है 1 मई को तो होता है लेबर डे, तो इसीलिए हमने पिकनिक अरेंज करी है। आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग। अभी तो फिलहाल हमने नाश्ते की तैयारी स्टार्ट की है, और नाश्ते की तैयारी के लिए आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या अरेंजमेंट किए हैं, और मैं आपको चलता हूँ, सारी अपडेट दूँगा आज की इंशाल्लाह पूरे दिन की। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी नाश्ते की तैयारी शुरू हो गई है, और हम नाश्ते में बना रहे हैं कीमा। तो जो आज के हमारे शेफ़ हैं वो हैं दिशान भाई। दिशान भाई क्या खिला रहे हैं फिर आप हमें? कीमा। दिशान भाई के साथ बहुत सारे हेल्पर भी हैं, ये हैं हमारे फैजान, हमारे पराठे भी हैं, और फैजान के साथ ये हैं निसार। निसार के साथ ये मोहसिन ज़बरदस्ती खड़े हैं, इनको करना कुछ है भी नहीं। और ये हमारे होटल वाले भाई हैं, इनकी माशाल्लाह से स्पीड तेज़ है। हमारे लड़के तो हल्के हैं काम करने में, लेकिन ये बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। पराठे भी हैं साथ साथ, जाहिर सी बात है कीमा हम लोग हाथों से तो खाएंगे नहीं, तो उसके लिए हमने पराठों का इंतज़ाम करा हुआ है। तो ये हमारे पराठों के लिए डो रेडी हो रहा है, इंशाल्लाह पराठे बनेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। निशान भाई कहाँ तक पहुँची प्याज? ये देखें, ये पूरा ढाबा है यहाँ पे कली झील के अंदर। आप लोग जब भी आएँ इनसे बात कर लें, और इनकी जगह पे आप अपना खाना बना सकते हैं। काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमानी करते हैं, आपकी सुनते हैं, आप लोग का हेल्प आउट करते हैं। आप लोग को मैं व्यू दिखाता हूँ, ये व्यू देखें, होटल के सामने का व्यू है। और मैं जाता हूँ अपने हट की तरफ, जो हमने झुग्गी ली है। हट तो नहीं है यहाँ पे, जैसी बात सबको पता होता है, तो हमने यहाँ पे झुग्गी ली है। और मैं आपको दिखाता हूँ झुग्गी में क्या क्या चल रहा है। अभी तो सब थके हैं थोड़ा सा, तो सब अभी फिलहाल लेट गए थे झुग्गी में, वो चलते हैं वहाँ पे देखते हैं। ये सभी भाई सुबह सुबह, इनकी नींद ख़राब हुई है, और ये दो हड़ाराम है जो लेटे में, इनको करना कुछ है नहीं, और लोगों के ऊपर कमेंट करना है। निशान भाई को तंग करके रखा हुआ इन लोगों ने। धूप निकल गई है, जब हमारे तो उस टाइम पे धूप तो नहीं थी। और ये देखें खूबसूरत लड़के को इसने सनब्लॉक लगा लिया, समझ रहा है मैं काला नहीं होऊंगा, लेकिन ये भूल गया ये पहले से काला है। ये हमारे फारूक साहब फुल बेगम के बगैर एंजॉय करते हुए। गाइस, तो मैं वापस आ रहा हूँ निशान भाई के पास, और उनसे अपडेट लेता हूँ वो कहाँ तक पहुँचे, उनका नाश्ता कहाँ तक पहुँचा है। तो उनके पास पूछते हैं और पता करते हैं कितना हो गया है, कहाँ तक पहुँचा है, सीन ऑन है या फिर अभी टाइम लगेगा। तो बस मैं पहुँच गया हूँ निशान भाई के पास, तो ये आ गया मैं निशान भाई के पास। निशान भाई क्या सीन है फिर? ये देखें निशान भाई बता रहे हैं कि बस रेडी होने वाला है, तो हम चेक करते हैं कहानी कहाँ तक पहुँची है, और आपको भी दिखाते हैं। इधर चाय भी बन रही है, भाई आगे चाय बना रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और बस यहाँ पे काम चल रहा है सारा। जी निशान भाई बताओ क्या क्या करना है भाई? अभी वो क्या नाम है, एक चूल्हा बनेगा जिस पे हलवा और चाय बनेगी, चाय और हलवे का सामान और पतीला सब वहीं, और चाय का भी पतीला वहीं है, और सारी चीज़ें वहीं रखी है। तो वहाँ पे मैं किस किस को लगा लूँ? वहाँ पे वो फराज है, और फराज के साथ एक और बच्चा है। ये करोगे दुलवाओगे ये हमारा है, ये कीमा, ये कीमा लेकर आए हुए थे, 4 किलो कीमा लेकर आए हैं दिशान भाई, और इंशाल्लाह इसको मोटे मसाले का कीमा बनाएंगे। दिशान भाई कौन सा कीमा बनाएंगे आप? ये दम का कीमा। दम का कीमा बनेगा, तो फिर जब दम का कीमा खाएंगे तो दम दम आदम दम करेंगे सब। ये चाय बना रहे हैं हमारे भाई जी। भाई चाय बन रही है, देखें चाय बन रही है। ये बच्चा भी मस्त हुआ हुआ है, इसको सुबह सुबह उठा दिया, इसके अब बन है। अब मैं जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पे हलवा बनाना है, तो वहाँ पे लड़कों को लगाता हूँ अपने साथ, और हलवे की तैयारी शुरू करते हैं। और आपको साथ साथ दिखाऊंगा भी हलवे की क्या क्या चीज़ें लेकर आएगा, क्या क्या चीज़ें दिशान भाई ने लेकर आए थे वो वहाँ पर उन्होंने रख दी हैं, आप लोग के साथ शेयर करूँगा। मैं तो फर्स्ट टाइम बनाऊँगा हलवा, अल्लाह खैर करे कैसा बनता है, क्या बनता है कुछ नहीं पता, तो खैर देखते हैं सबको पसंद आता है नहीं आता, बनाएंगे तो खैर आएगा, ऐसा नहीं है कोई काम नहीं हो सकता, करो तो हर काम हो जाता है। तो इसलिए आज ट्राई करते हैं, अल्लाह मालिक है, आज जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम कुछ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ट्राई करते हैं हलवा बनाना, और जब बन जाएगा और आपको लोगों के रिव्यू भी देंगे, जो हमारे सब लोग आए हैं उनका रिव्यू लेकर आपको देता हूँ कि हलवा कैसा बना, वो आप लोग को बताएंगे। ठीक है, बस मैं आ गया हूँ यहाँ पे, लड़के हैं तो उनको लगाता हूँ मैं, फिर हलवे की तैयारी करता हूँ, चाय भी बनानी है, चाय की तैयारी भी करनी है, तो इंशाल्लाह चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाओ, ये तो चाय का सामान है ना इसमें, ये वाला, हाँ ये वाला सामान हलवे का है। अच्छा एक काम करो, ये यहाँ पे चूल्हा लगाओ, चूल्हा ये इससे पत्थर से ये यहाँ पे है ना, इसको लगाओ, और कोयले वगैरह देखो इधर पड़े हैं, उसमें वाले शॉपर में कोयले भी हैं, उधर कोयले भी हैं, कोयले उठाओ, शादी को हम लगाते हैं यूज़ करते हैं। और फिर यहाँ पे पहले हम चाय बनाएंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हलवा भी बनाएंगे, ट्राई करते हैं आज जो जो चीज़ें बना सकते हैं वो बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है, बाकी सब बताएंगे बना कैसे, ये तो हमें नहीं पता कैसा बनेगा, पहला एक्सपीरियंस है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अच्छा बने। हाँ भाई आप लोग को खाना है, क्या क्या खाना है? अभी वैसे तो इन लोगों ने रात में बिरयानी फोड़ी है,
बीफ बिरयानी की पूरी देख खा गए ये लोग। बीफ बिरयानी थी बच्चा, भूल गया तुम। क्या हो गया बेटा, सर्दी लग रही है? पेट्रोल 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 चेक कर लेते हैं। ये सब पानी में से होकर आ रहे हैं, मज़े मज़े से सब इंजॉय कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ जिशान भाई के पास और उनसे पता करता हूँ कि पेट्रोल कहाँ पर है, आँख लगानी है। जाहिर सी बात है पेट्रोल तो चाहिए होगा। जिशान भाई वहाँ पे बैठे हैं, उनके पास एक रश भी लग गया है लड़कों का जो नहा रहे थे, वो उनके पास पहुँच गए उनको तंग करने के लिए। खैर कोई बात नहीं, पार्टी है, पिकनिक एंजॉय करो। एंजॉय करने के लिए आए हूँ आज, ना कोई बॉस है ना कोई दोस्त है, सब पार्टी एंजॉय करेंगे। तकरीबन यहाँ पे भाई कीमे के लिए इन्होंने कढ़ाई चढ़ा दी है। निशान भाई इधर वो हमें आग लगाने के लिए पेट्रोल चाहिए, उसका क्या करें? यार यहाँ से ना लकड़ी जो है ना दो तीन, ये भाई के इधर ला के रख दो, जलती हुई लकड़ी हम लोग ले जाएंगे। ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कीमा स्टार्ट हो गया बनना, टमाटर वगैरह उन्होंने डाल दिए हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें निशान भाई क्या क्या डाल दिया, क्या क्या चीज़ डाल दी? सब चीज़ें बस ये बस इसका रेडी है। क्या टमाटर डाल दिए, प्याज डाल दिए, और क्या अभी क्या डाला है? कीमा डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अच्छा अभी हम डाल लेते ये बाइक खड़ी है इसमें से ले लो ना पेट्रोल। अच्छा कीमे में डाले पेट्रोल, वहाँ से सादिक वहाँ से वो ले आओ, दो कोयले ले आओ, यहाँ पे इसमें आग में लगा एक लकड़ी, या जलती हुई लकड़ी ले जाओ वहाँ पे एक। आग लगा रे प्लास्टर की थैली रखी है, आग लगा जल जाएगा तो प्लास्टर की थैली में उस पर नहीं जलेगी। निशान भाई, निशान भाई अभी सारे मसाले डाल रहे हैं ये कीमे के अंदर। निशान भाई कढ़ाई छोटी नहीं है, पूरी हो जाएगी। कीमा डल गया इसमें, चूल्हे जला रहे सादिक को, मैंने लगा दिया है सादिक लगा रहे चूल्हा, जला दे हलवा। इनको पराठे यहाँ बनाने में ना टाइम लगेगा ना, और ये कीमा जो होगा ना थोड़ी बहुत कसर होगी, तो वहाँ जाके हजूर की बात क्यों कर रहा है बहनों तक। जी निशान भाई क्या चेक करना है? नमक चेक करना, नमक चेक करना, कम है नमक, बहुत हल्का सा कम होगा, थोड़ा सा नमक डाल दो क्योंकि मिर्चें तेज लग रही हैं, और अभी हरी मिर्चें भी जाएंगी तो फिर वो तेज हो जाएंगी ना मिर्चें, तो नमक थोड़ा कम है इसके अंदर, नमक डाल दो। वैसे भी आप उसमें पराठों के अंदर तो नमक नहीं डलेगा ना आटे के अंदर, तो सही रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो मसला नहीं होगा। बाकी तो सही था ना मसाला? हाँ मसाला सही है, थोड़ा सा पकाना, अदरक लहसुन का टेस्ट मुंह पे आ रहा था। अभी ये पकेगा ना? हाँ ये थोड़ा भिनेगा कीमा, खुशक होगा एकदम, गले में लगी है। लेकिन थोड़ा भुनवा लेना सही से, क्योंकि अभी भुना हुआ नहीं है ना। चलो मैं अब वहाँ पे चलता हूँ, चेक करता हूँ कि वहाँ पे आग लग गई नहीं लग गई, अगर आग लग गई है तो फिर वहाँ पे चाय बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है तो आपको मैं वहाँ पे झुग्गी में मिलता हूँ। तो मैं चलता हूँ वहाँ पे झुग्गी की तरफ, आपको बताता हूँ क्या सिचुएशन है वहाँ पे, सादिक साहब ने क्या क्या काम कर लिया, क्या काम नहीं करा, और क्या चीज़ें हो गई रेडी, चूल्हा जलाया जलाया चेक करता हूँ। आपके वहाँ बस बढ़ता जा रहा है, मुझे नहीं लगता देर में आप चलने की जगह होगी, चेक करते हैं यहाँ पे सादिक ने कितनी आपकी चैटिंग बढ़ी है करी, और ये देखते हैं आपको दिखाता हूँ सादिक ने आपको लगा लिया। निशान भाई ने प्लान चेंज करवा दिया है, जहाँ पर हमने अभी बनाने के लिए रखा हुआ है होटल के ऊपर कीमे को, वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि चाय भी बना लेंगे इजीली, और वहीं पे हम हलवा बना लेंगे, तो ये होगा हमें आग भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आग लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारे पास चीज़ें ऐसे नहीं, हमने गलती करी थोड़ी सी कि भूल गए पेट्रोल या मिट्टी का तेल लेकर आना, जिससे आसानी से आग लग जाती और फिर हमारा काम हो जाता। खैर कोई बात नहीं,
जिसान भाई की सेटिंग बन जाती है, जो गाड़ू आदमी है वो सेटिंग बना लेता हूँ। तो उन्होंने बोला है कि मैं कर लूँगा सेटिंग, तो अभी जाता हूँ वहाँ पे देखता हूँ उन्होंने सेटिंग करी नहीं करी, क्या कहते हैं जिसान भाई, और बनाते हैं नहीं बनाते हैं देखते हैं क्या होता है। अल्लाह मालिक चल रहा चीज़ है, बच गया बच गया उसका। वो शादी का हमारा जज्बाती है ना, शादी का हमारा थोड़ा जज्बाती है, तो वो ये गलतियाँ करता रहता है। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं अभी कीमा कहाँ तक पहुँचा है, उसके बाद फिर चाय रखवाते हैं भाई से चाय के बाद, और चाय बनवाते हैं चाय के बाद हलवा बनवाते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। सेटिंग कर ले रहे हैं निशान भैया, मसले वाली बात नहीं है। निशान भाई फिर आप क्या प्लानिंग करिए दोबारा से? अभी रेडी हो गया, अभी जैसे बनने के बाद जो हम फौरन हलवा बनाएंगे, चाहिए हलवा बनाने के बाद फिर हमारा दो भाई, आपका नाम जहांगीर भाई और आपका मुरीद भाई, ये भाई भी हमारे पराठे बनाएंगे हमारे लिए, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग साथ बैठ के खाएंगे हमारे साथ जहांगीर भाई और मुरीद भाई। हां बिल्कुल बिल्कुल। और YouTube पे हमारा चैनल है, तो सब्सक्राइब कर लो, दोनों का है तुम्हारा होटल भी बड़ा मशहूर है। जगह कौन सा? तीसरा पॉइंट है ये, तीसरा पॉइंट है ये। होटल का नाम अलमा ये होटल वाले भाई हैं, खैर बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। अभी हमारी चाय की भी सेटिंग बना दी इन्होंने और हलवे की भी सेटिंग बना दी है, और इनका पॉइंट 3 जो है वहाँ पे इनका होटल है, और आप आएँ तो इनके पास आएँ, इनसे सब चीज़ें लें, परचेज भी करें, पैसे भी कम हैं इनके, कहने कोई ज़्यादा पैसे नहीं है। ये इनका होटल का नाम है अलमदीना होटल कराची, अलमदीना कराची होटल के नाम से इनका पॉइंट 3 कैंदर झील के अंदर पॉइंट 3 जो है वहाँ पर सब चीज़ें रखी हुई इन्होंने थोड़ी थोड़ी। दोपहर में खाना भी चलाते होंगे, अभी दोपहर होगी तो पता चल जाएगा, अभी तो सुबह हो रही है और अभी समझ लें कि 8 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, हाँ 8 बजे, क्योंकि मैं खुद भी वही काम करता हूँ जो मुझे आसान लगता है, मैं कभी भी वो काम नहीं करता जिससे मैं थक जाऊँ या प्रॉब्लम क्रिएट हो, आसानी हो बंदा वही काम करे। ये अभी और भी लोग आए हैं हमारे बराबर में, उनका तो सिस्टम बहुत अच्छा है, अभी मैं उनको सिस्टम में आपको दिखाता हूँ, वो तो भाई प्रोफेशनल लोग लेकर आए हैं अपने साथ, कढ़ाई देख वेख करा दी है उन्होंने, और हमारा तो खैर इस तरफ है, हम लोग हमारे लोग कम हैं, इनके लोग शायद ज़्यादा होंगे, और हमने क्योंकि रात में हम जल्दी निकले थे, हम निकल गए थे शाम में, नहीं सॉरी हमें शाम में निकलना था, लेकिन हम लोग निकले हैं 8 बजे, लेकिन हमारे रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, हमें पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई, हमारे 4 घंटे ज़ाया हुए हैं। पहले एक दफ़ा गाड़ी पंचर हुई, फिर वो उसने टायर वगैरह डाला, फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा पंचर हो गई, दूसरी दफ़ा पंचर हुई, फिर उसमें टाइम लग गया, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा टायर था नहीं, फिर काफ़ी दूर हम पैदल गए, और रात उड़ी थी इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई, थोड़ा सा रिस्क भी था इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई नहीं। रात में हम लोग जब वहाँ पे थे कोई अंधेरा था, कोई बंदा नहीं था, अगर कोई आ भी रहा था पास में तो डर लग रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है 30-32 लोग हैं, सारे लड़के हैं, कुछ मेरी उम्र के हैं, एक दो मुझसे बड़े हैं, बाकी सारे छोटे लड़के हैं, और सबके पास आपको पता है पैसे मोबाइल तो होते ही हैं, तो थोड़ी टेंशन हो रही थी, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने साथ दे दिया, हमें इधर पहुँचा दिया, गाड़ी सही हो गई थी हमारी, और फिर हम इधर आ गए थे आसानी से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। फिर इधर आए हैं तो खैर सूरज निकल गया था, हमारी कोशिश यही थी कि हम यहाँ पहुँच जाएँ, थोड़ा सा रात में रेस्ट करेंगे और फिर हमारे सामने सूरज निकलेगा, तो खैर वाला व्यू होता तो बहुत मज़ा आता, घर वाला व्यू नहीं मिल सकता, खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी अल्लाह ने चार जिंदगी ली कभी। मैं जा रहा हूँ जिशान भाई के पास जा रहा हूँ, और वहाँ पे जाके देखता हूँ, क्योंकि कीमा तो उन्होंने रेडी करके भेज दिया है, सेकंड चीज़ क्या स्टार्ट करिए, वहाँ पे जाऊँगा तो पता चलेगा, मुझे लगता है कि उन्होंने शायद हलवा स्टार्ट करा होगा, क्योंकि चाय वो एंड में बनाएंगे मेरे ख्याल से, हलवा उन्होंने भी स्टार्ट करा होगा, उन्होंने जिशान भाई ने अभी क्या स्टार्ट करा, हलवा करा या फिर चाय करिए, हलवा करा, हाँ हलवा करा ना, हाँ इसी मैंने बोला ना तो पहले हलवा बनाएंगे, तो उन्होंने इसी हलवा स्टार्ट कर दिया, चल के देखते हैं हलवे का क्या सीन है, कहाँ तक पहुँचा, फिर आपको दिखाते हैं, इन्जॉय भी करें आप लोग, मैं भी इन्जॉय कर रहा हूँ। और जिशान भाई कहाँ तक पहुँचा, आपका क्या चीज़ बना रहे हो? ये देखें भाई ये हलवा, अब ये इन्होंने हलवा स्टार्ट करा, भाई दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, बस दुआ करें सही बन जाए इंशाल्लाह, कोशिश है। ये देखें भाई ये देखें ये देखें ये देखें ये कौन सा हलवा बन रहा है, इसमें हरी मिर्च, ये पानी मुझे लग रहा है कम हो गया था, जिसकी वजह से वो सूजी लग रही है नीचे, और निशान भाई बोल रहे हैं कि पानी डालो, निशान भाई हलवा ज़रा सेट बनना चाहिए, चीनी कमी हो, चीनी आप वैसे ऑलरेडी बहुत लाए, बचाना मत, हाँ कहीं आप बोलो बचा लें तो बचाने का फायदा नहीं है, वो वापसी होगी नहीं, खैर हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये देखें ये ऐसा लग रहा है ये चीनी, मतलब चीनी का हलवा बनना है, इतनी लाए में चीनी, हाँ असल में आज का ठेका हमने पूरा निशान भाई को दिया हुआ है, आज के जो हमारे मेन जो बंदा है ना हमारा शेफ जो मैन, वो है निशान अहमद, सैयद निशान अहमद, ये हमारे शान फूड के सबसे सीनियर सुपरवाइज़र हैं, शान फूड की बुनियादें इन्होंने रखी हैं, ये इनको माशाल्लाह से शान फूड के अंदर कोई 18 साल हो गए, समझ लें कि ये मेरी आधी उम्र से भी ज़्यादा, मेरी 75% मेरी एज का इन्होंने शान फूड को दे दिया है, लेकिन मसला वो ये ना अच्छे लोगों की कदर कम होती है, मसला ये खैर बहुत टैलेंटेड बंदा है भाई, ये कोई भी काम कर लेता है, बस काम बताओ और मिट्टी पाओ, वो वाला सीन है इनका, ये क्या क्या डाल दिया, ये कलर डाल दिया क्या, अच्छा कलर डाल दिया है, शक्ल निकल के आ जाए, देख रहे ना जैसे लड़कियाँ पाउडर लगाती हैं वैसे इन्होंने कलर लगा दिया है जर्दे को, और बोला कलर आ जाना चाहिए, ऊपर से अभी डाल रहे हैं चीनी, चीनी डाल दी इन्होंने और चीनी के साथ इलायची भी डाल दी, वाह इलायची के टेस्ट के साथ भरपूर आपको हलवा मिलेगा, ये मुझे लग रहा है यार होटल वालों को सबको सिखा के जाएंगे, फिर ये जब हम आएंगे तो ये इनकी ये मुर्शीद भाई भी बोले होंगे कौन लोग हैं इन्होंने तंग करा हुआ सुबह से आके हमें, निशान भाई ऐसा नहीं हो आप ठेके पेन से होटल ही ले लो, बोलो मैं चलाऊंगा, निशान भाई का जो असिस्टेंट है ना ये सुनता नहीं है बस,
या फंकाइयाँ दिखाता है थोड़ी सी, इसको पता करना वही है जो निशान भाई बोलेंगे। अब निशान भाई ये बोलेंगे, मुझे पता था ये बोलेंगे, मीठा चेक करो, इन्होंने मुझे पप्पू बनाया हुआ है। थोड़ी सी डाल दो, मीठा सही है और डाल देगा ना, सूजी का मीठा ज़्यादा होना चाहिए। बादाम पिस्ते जो छप्पर में लगे ना वो भी डाल देना। अच्छा आपस की बात है, टेस्ट आ रहा है, चेक करो सूजी का टेस्ट आ रहा है। अभी थोड़ा चीनी मैल तो होने दो, अभी वही पैसा भाई। देखो मसला मसला ये कि अपनी भैंस अपना बाड़ा दूध मिलेगा गाढ़ा गाढ़ा। हाँ सही है सही है, नहीं अभी बनने दो ना, थोड़ा सा पाँच दो तीन मिनट और पका लो, हल्का कच्चापन जो है वो खत्म हो जाएगा। दंतल वाला टेस्ट नहीं आ रहा साथ। इनको दंतल वाला टेस्ट चाहिए, इनकी हरकतें देखें, उनकी हालत देखें, हालत देखें, इनको दंतल वाला टेस्ट चाहिए। बोले असली घी से हम तड़का लगाएं, इन लोगों ने वैसे इतना खर्चा करा दिया, इनको असली घी का तड़का भी चाहिए। अच्छा ये हलवा हो गया है, और हलवा तो हो गया है, हम जाने कीमे की तरफ, वहाँ पे चेक करते हैं कि वहाँ पे कीमे का क्या सीन है, फिर हमारे पराठे भी रेडी हो जाएंगे बनना, तो फिर जब पराठे बन जाएंगे तो फिर हम नाश्ता स्टार्ट कर देंगे। चलें तो मैं चलता हूँ आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि वो कीमा कहाँ तक पहुँचा, ठीक है? चलें आपको कीमे के पास मिलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। A few moments later. ये हमारा सूजी का हलवा, वाह, और ये हमारी कढ़ाई, क्या बात है यार, लग रहा है कि मेहनत हुई है भाई, मेहनत हुई है, देख रहे ना आप, सब कोई ना कोई काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सब लड़के मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि कोई लड़का मेहनत नहीं कर रहा हो। हलवा हमारा रेडी हो गया है, कीमा हमारा रेडी हो गया है, ठीक है, और बाकी चीज़ें हमारी रेडी हो रही हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस तकरीबन चीज़ें रेडी हो गई हैं। इसका ढक्कन चेक करो, ढक्कन इसके ऊपर कोई ढक दो ताकि कुछ जाए नहीं इसके अंदर। बहुत प्यारी वाइब्स आ रही हैं, तो बस दुआ करें बना अच्छा हो, तो उम्मीद तो है शान भाई के हाथ में टेस्ट भी अच्छा है, अच्छा टेस्टी खाना बनाते होंगे। चलो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और चेक करता हूँ कितने पराठे रेडी हो गए, तो फिर पराठे लेकर आता हूँ मैं, और फिर देखेंगे फिर खाना स्टार्ट कर देंगे। यार बहुत देर हो गई है, काफ़ी देर हो गई है, सब लड़कों को भूख लग रही है, लोग बोल रहे हैं बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या करें, असल में रात में भी ना थोड़ी खारी हुई है, जिसकी वजह से ना लड़कों को भूख लग रही है, और जाहिर सी बात है सारे लड़के जॉब से डायरेक्ट आ गए थे हम लोग के पास, मतलब जहाँ पे हमने गाड़ी बुलाई थी, पॉइंट बनाया हुआ था, फिर उसका घर बनाया हुआ था, और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है फेडरल भी एरिया लकी मन के पास, इधर सेकंड हमारा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट हमारा मलिया था, जहाँ पे निशान भाई रहते हैं, तो ऐसे हम सब लड़के वहाँ पे सब ने ज्वाइन करा है, के साथ कोई 7-8-10 लड़के लगा, 15 लड़के के साथ थे, और मैं फेडरल एरिया पहुँच गया था, तो मेरे साथ तकरीबन 7 लड़के, बाकी लड़के निशान भाई के साथ थे। खैर हम सब ने 3 पॉइंट बनाए हुए थे, तो मिल बाट के सारा काम कर लिया हमने। खैर यहाँ पे पराठे रेडी हो गए, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें आप लोग, ये हमारे पराठे रेडी हो रहे हैं, ये भाई मस्त जल्दी जल्दी बना रहा है, ये चेक करें। अच्छा पराठों के लिए हमने कहा ये था कि हम आटा खुद लेकर आ गए, पहले हमारा इरादा था कि हम खुद करेंगे, लेकिन अगर हम खुद करते ना थोड़ा सा लेट हो जाता तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती। खैर इन भाइयों ने हमें काफ़ी सपोर्ट करा, और फिर हमने खुद ही पराठे बनाने का कैंसिल कर दिया, और इन भाइयों से बात बात करी, उन्होंने एग्री कर लिया, हमसे सामान ले लिया, हम सामान कंप्लीट लेकर आए थे, बस हमने इनको कहा हमें बना के दे दें, तो भाई ने एग्री करा, और खैर हमने बनाना स्टार्ट करवा दिया, तकरीबन ये 10 पराठे रेडी हुए हैं। बस यहाँ से फ्री होते हैं, पराठे वगैरह लेके जाते हैं, और फिर हम उसके बाद स्टार्ट कर देंगे नाश्ता, स्टार्ट करेंगे नाश्ता करने के बाद देखेंगे क्या करना है। मेरे ख्याल से तो कुछ लड़के सो जाएंगे, क्योंकि थके हुए बहुत हैं लड़के, वजह ये थके हुए बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ लड़के सो जाएंगे, और कुछ लड़के इतने बैठ जाऊँ एक जगह, यहाँ पे मैं आके बैठा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँ, इधर उधर भागने में ना थोड़ा सा सांस फूल रहा है, तकरीबन मेरे कोई हमारी झुग्गी से और यहाँ तक का थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आने जाने के मेरे कोई 8 चक्कर लग गए, 8 या 10, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और फिर इंशाल्लाह आपको मिलते हैं हम, जब नाश्ता सर्व होगा तो इंशाल्लाह फिर आपको दिखाते हैं, नाश्ता जब सर्व होगा आपको दिखाएंगे कौन कौन लड़के हैं हमारे, मैं आपको सारे सब लड़कों से मिलवाऊंगा भी इंशाल्लाह, और अपनी पूरी टीम का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, और अभी मैंने खैर अपना नाम बता दिया था, अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, खैर मैं खुद भी रिसोर्स में जॉब करता हूँ एज आई रोम मीन्स के असिस्टेंट रीजनल ऑपरेशन मैनेजर, और उसको मैं शानपुर देखता हूँ अपना, जैसे मेरे साथ तीन सुपरवाइज़र हैं यहाँ पे, एक हमारा सुपरवाइज़र, मेरा जो सुपरवाइज़र एक हैदराबाद में, वो नहीं आ सका, ऐसी बात मसूफियात है, वो हैदराबाद में, उसके लिए आना भी आसान नहीं था, इसलिए मैं नहीं आ सकता, उसने मना कर दिया था, बस मैं नहीं आ सकूँगा, मैंने कहा खैर कोई मसला नहीं है, फिर कभी तुम आ जाना, मैं तो जाता रहता हूँ हैदराबाद, इन किसी दिन जिस दिन आप विजिट जाऊँगा मैं हैदराबाद, तो इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगा, हैदराबाद का ब्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं, किसी दिन आपको दिखाएंगे वहाँ पर मेरी क्या एक्टिविटी होती है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, डेली मेरी जो जॉब है उसके हवाले से मैं आपको नॉलेज दूँ, और जो भी मेरी रूटीन है डेली वो मैं आपको बताऊँ, कोशिश करूँगा, ऐसी बात मैंने अभी फर्स्ट टाइम आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझसे कुछ गलतियाँ तो होंगी, अभी स्टार्ट है इसी वजह से, चलो इंशाल्लाह आपको नाश्ते के टाइम पर मिलते हैं, आप जब तक इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करते हैं, नाश्ते में मिलते हैं इंशाल्लाह। A few moments later. ये कीमा रेडी हो गया है, और कुछ पराठे भी आ गए, तो साफ करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, ये गार्निश वगैरह करेगा अभी रहमान, मेरे ख्याल से तो मैं बोलूँ ज़्यादा छोटी नहीं करो, कम छोटी कर मुझसे ना, हाँ थोड़ी बड़ी बड़ी काटो, और ये देखें ये हमारे लड़के बैठे हैं, चार करके लड़के बैठे हैं, ये अभी सर्व करना है, ये चार की टीम हमारे यहाँ पे बैठी है, तो अभी स्टार्ट करता हूँ सर्व करना,
कीमा मेरी जिम्मेदारी लगाती थी भाई ने, मैं निकाल दिया। दानिश इधर आओ, ये पकड़ो मैं जा रहा हूँ कीमा निकालने। नाश्ता स्टार्ट कर दिया हमने और आपको दिखाते हैं ये लड़के खा रहे हैं और लड़कों से रिव्यू लेते हैं कि किसान भाई की मेहनत रंग लाई नहीं लाई और चेक करते हैं कि कैसा रहा। मैंने तो चेक करा था, खैर अच्छा था टेस्ट में और हलवा भी अच्छा था, कीमा भी अच्छा था। अब लड़कों से पूछते हैं हम लोग का रिव्यू लेते हैं कि उन्होंने खा रहे हैं वो लोग, फिर मैं आपको बताता हूँ। नाश्ते से तो फ्री होगा अल्हम्दुलिल्लाह, सब चीज़ बहुत अच्छी बनी थी। और अब ये है कि हम लोग चाय बनाई थी हमने, चाय सर्व कर रहे हैं लड़कों को, चाय भी सर्व हो रही है। धूप बहुत निकल गई है, ये देखें सूरज, ये सूरज बैठे मुंह के ऊपर सूरज आ गया, जबकि अभी टोटल 10 बजे हैं, अभी 10 बजे हैं, जबकि अभी से सूरज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, गर्मी बढ़ती जा रही है। सब मज़े से चाय पी रहे हैं अभी तो, ये देखिए। लड़के माशाल्लाह से ज़्यादा सी बात है, ज़्यादा लड़के हैं तो खुराकें भी ज़्यादा हैं लड़कों की, और उस हिसाब से बस चल रहा है, खाना रुक नहीं रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ चल रही है तो फिर रुक नहीं रही। सुबह हम ना जब बनाना स्टार्ट कर रहा था हमें लग रहा था ज़्यादा है, लेकिन जब बन गया तो बना बहुत अच्छा था, तो फिर उसके बाद तो लड़के रुके ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ ख़त्म हो गई। अभी चाय चल रही है और फिर चाय के बाद ये जाएंगे पानी में मज़े करेंगे, पानी में भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाते हैं, एंजॉयमेंट हो रही है, सब एंजॉय कर रहे हैं, सब पार्टी कर रहे हैं। गाइस यहाँ पर तो फुल एंजॉयमेंट चल रही है और लोग मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, फुल मज़े हो रहे हैं यहाँ पे। मेरी आँख लग गई थी थोड़ी देर के लिए, मैं सो गया था, अभी उठाऊँ तो पता चला है कि फुल हमारे निशान भाई तो फुल खतरनाक हुए हैं, फुल मज़ा आया हुआ है उनको, इंजॉय कर रहे हैं वो, और बस उनका बस नहीं चल रहा, वो क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, तो वो लगे हुए मस्त हो गए। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, अभी देखें आप लोग, आवाम भी बहुत आ गई है, बहुत रश हो रहा है, लेकिन धूप भी बहुत है, धूप बहुत ज़्यादा है, धूप इतनी है अंदर कैसे ना आएगा, धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और थोड़ा आवाम का भी रश है, लेकिन ये धूप जो है ना, इस धूप ने बहुत तंग करा हुआ है। गाइस अब लंच टाइम होने वाला है और लंच टाइम के लिए हमने टिक्के रखे हुए और अभी लाइव कढ़ाई बनाएंगे, तो देखें इंशाल्लाह रेडी होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लाइव कढ़ाई का सीन है और उसके साथ टिक्कों का सीन है, जैसे जैसे बनते जाएगा वैसी वैसी अपडेट करूँगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर बस अब लंच स्टार्ट होने वाला है, लंच की तैयारी है और जमी मैंने आपको दिखाया है, टिक्के रेडी हो रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह लाइव कढ़ाई की तरफ जाएंगे, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा टिक्कों से, फिर सोचा उसके बाद इंशाल्लाह लाइव कढ़ाई बनाएंगे और फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह
फिर पानी में जाएंगे, थोड़ी देर इंजॉय करेंगे और उसके बाद घर के लिए रवाना होंगे, क्योंकि कल रात के निकले मैं थक भी रहे हैं, ये वाला मसला भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए यही फैसला कर रहा हूँ मैं कि कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम 4 बजे या फिर 5 बजे निकल जाएँ हम लोग। जितना थोड़ा टाइम से निकलेंगे उतना टाइम से पहुँचेंगे, क्योंकि रास्ते में अगर हम लोग लेट हो गए तो फिर रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाता है, और ट्रैफिक जाम हो गया तो फिर लंबी फारी है, और अल्लाह ना करे गाड़ी भी प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि टायर का इशू हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था कि आते हुए टायर ब्लास्ट हो गया था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी हमारे, तकरीबन 5 घंटे ज़ाया हुए थे, 5 घंटे ज़ाया हो गए, फारी इतनी हुई, घंटे तो टाइम अलग ज़ाया हुआ, उसके बाद फारी भी बहुत हुई हमारी, इसीलिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 4 से 5 बजे तक सब चीज़ें निपटा के निकल जाएँ, और बस अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि आसानी से हम लोग पहुँच जाएँ यहाँ पर घरों पर, क्योंकि जिम्मेदारी होती है, जाहिर सी बात है, अब जाहिर सी बात है हम लोग 3-4 बंदे हैं सीनियर, और काफ़ी बड़े टीम को लेकर आए हैं, 30-35 लड़का है, तो उनकी जिम्मेदारी तो फिर हमारी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि उनके घर वालों ने हमारी शक्ल के ऊपर उनको घर से निकाला है, इसीलिए तो इस टाइम से पहुँचेंगे तो फिर परेशानी खत्म हो जाएगी हमारी, तो इंशाल्लाह देखें होता क्या है, कोशिश तो यही करें जल्दी जल्दी निपटाएँ चीज़ों को, जैसे जैसे निपटती हैं जल्दी जल्दी काम को निपटाते हैं, कोशिश तो यही है हमारी। 3 बज रहे हैं, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब हम जा रहे हैं कढ़ाई फाइनल करने, कढ़ाई तकरीबन बन गई है, शान भाई लगे हुए हैं वहाँ पे, तो बस मैं चेक करता हूँ कढ़ाई रेडी हो गई नहीं हो गई, रेडी हो गई होगी तो लड़कों को पानी में से बुलाना है और फिर खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, टाइम लेट पे लेट होता जा रहा है, और टाइम बहुत कम है मुकाबला सबसे, कोशिश करेंगे टाइम पे निकलें। अभी मैं जा रहा हूँ शान भाई के पास, और शान भाई बताएंगे क्या सीन है, रोटी छोटी बन गई नहीं बन गई, और यहाँ पर हमारे पख्तून भाई जो है डांस कर रहे हैं, म्यूज़िक लगाया हुआ इन लोगों ने, मज़े से ये लोग डांस में लगे हैं। मेरी भी अब हालत बुरी हो गई है, कल ये समझ लें कल सुबह का मैं जॉब पर गया था, जब से उठा हूँ अभी तक रेस्ट नहीं करा है, तो ये वाला सीन है। अभी ईशान भाई के पास आ रहे हैं, पूछते हैं क्या सीन चल रहा है, ईशान भाई क्या सीन चल रहा है भाई, कढ़ाई कौन सी कढ़ाई बना ली आज, सिंधी कढ़ाई, वाह, और नान, सिंधी कढ़ाई के साथ नान बना रहे हैं, चेक कराते हैं आपको, सिंधी कढ़ाई विद नान, अभी रखा हुआ इन्होंने मेरे ख्याल से टमाटर वगैरह बॉयल होने के लिए रखे हैं, चेक करते हैं कढ़ाई को। ईशान भाई क्या सूरत है हाल, चिकन भाई ये रेडी हो गया इंशाल्लाह ताला, 10 मिनट के बाद बिल्कुल रेडी है, कढ़ाई हमारी रेडी हो रही है, ये देख लो भूखे बिल्लों की तरह बैठे हैं लड़के हमारे, समझ नहीं आ रहा ये कहाँ आ रहा है, इनके पेटों में आ रहा है या कहीं और जा रही है, अभी ये बिल्कुल अच्छा। दिशान भाई में ये क्वालिटी है कि वो कढ़ाई जो बनाते ना प्याज व्याज ऐड नहीं करते, फुल प्रोफेशनल, और लास्ट टाइम भी हम लोग 20 पे गए थे तो फिर ईशान भाई ने बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन उसमें ये कि हम थोड़ा मैरिनेट करके लेके गए थे, और ये हमारा भाई हमारे लिए देख रहे हो आटा घूम रहा है, इसकी ये बनाएगा रोटी, हाँ भाई रोटी बनाओगे, ये भाई अभी रोटी बनाएगा, रोटी कौन सी खानी है, तवे वाली खानी है, नान वाली खानी है, कुलचे वाली खानी है, दही वाली खानी है, भाई तवे वाली नहीं खानी, ये वो बनवाओ नान, वही तंदूर वाला, तंदूर वाला नान आसानी से भी बनेगा और लड़के खा भी लेंगे सुकून से, मस्त होके खाएंगे। ये चेक करें आप, ये सीन चल रहा है यहाँ पे, अच्छा कुछ लोगों की वापसी स्टार्ट हो गई है और ये सीन चल रहा है, जाहिर सी बात है टाइम लोग कोशिश यही करते हैं कि जल्द से जल्द निकलें, क्योंकि उनको पहुँचना होता है। मैं अब जा रहा हूँ हट पे लड़कों को थोड़ा जमा करता हूँ, क्योंकि ये कढ़ाई मुझे लगता है कि निशान भाई 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम रेडी कर देंगे वो, और फिर जब कढ़ाई रेडी हो जाएगी ना तो फिर बस ये थोड़ा शोर आ रहा होगा, पीछे गाड़ी स्टार्ट हुई भी है इसी वजह से वो थोड़ा शोर आ रहा है, तो बस निशान भाई जैसे कढ़ाई रेडी करेंगे ना फिर लड़कों से बर्दाश्त भी नहीं होगा, उनको पता लग जाएगा ना कि कढ़ाई रेडी हो गई है, तो बस वो फिर जल्दबाजी करेंगे कि बस दो, ये वाला सीन होता है, लड़कों को जल्दबाजी लग जाती है। मैं कहाँ से आया था, आई थिंक मैं इधर से आया था, हाँ वो एक जैसे हट है ना, तो फिर वो थोड़ा सा मामला आगे पीछे हो जाते हैं। हमारा हट आगे ही है, मैं ऐसे ही आया हूँ, बस वो थोड़ा सा होता है कभी कभी आगे पीछे बंदा हो जाता है, तो ये सीन चल रहा है और मैं आ गया हूँ हट के ऊपर, लड़के हमारे थके हुए बैठे हैं, बस जैसी कढ़ाई बनती है इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करते हैं, जब तक के हम थोड़ा सा बैठ के रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि चल चल के मेरी भी हालत बुरी होती जा रही है,
मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा आप लोग को, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती ना तो ये होता है, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है इसी वजह से। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे, कढ़ाई रेडी होती है तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। A few moments later, कढ़ाई रेडी हो गई। जनशान भाई हमारे सैलरी जशान भाई ने बनाई है ये कढ़ाई, और अब टेस्ट करेंगे कैसी है। लग तो शक्ल से बहुत अच्छी रही है, चेक करते हैं क्या सीन है इसका। खाना पीना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सब लड़कों ने मस्त होकर खा लिया हमारे, और अब देखो इंशाल्लाह हम लोग रवाना होंगे वापसी के लिए, ताकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 5 बजने वाले हैं। अंदाज़ा नहीं था इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी भी तकरीबन लगेगा आधा घंटा तो लगेगा हम लोग को, आधे घंटे से ज़्यादा ही लगेगा यार, अभी भी तकरीबन हाँ आधा घंटे से ज़्यादा ही लगेगा हम लोगों को। फिर निकलते निकलते यहाँ पर रश भी होगा, इसी वजह से टाइम लगेगा, इसीलिए बस अब पैकिंग करनी है और बस निपटाना है, और फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। आखिरी राउंड चल रहा है हमारा, और बस चाय बन के आ गई है, बाकी सब चीज़ें पैक कर दी हमने, तो इंशाल्लाह बस अब हम निकलेंगे घर के लिए रवाना। इंशाल्लाह हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, मिलते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मुझको इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।